जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक करारदाद पे बुलाया गया है, मैं उनको यहाँ दावत दूंगी कि वो आके अपनी करारदाद हाउस के सामने पेश करें। आए आप। थैंक यू जी। अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ मैं एक आपके आगे गुजारिश करूंगी, आ जाएं आप सारी लेडी लॉयर्स, कि सैटरडे को, जो मंडे को मैंने करारदाद मूव की थी, तो आज दो तीन दिन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं मैं उनका जिक्र करूंगी। एक तो हमारी बहन शाजिया खान साहिबा के घर इन्होंने कल रेड किया, उसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं। शाजिया खान साहिबा हमारी बार की मौजूद रुकन है, बहुत अच्छी लॉयर हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और कानून के दायरे के अंदर रहते वो अपना काम करती हैं। हम शदीद मुजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इसको प्रोब करके जो लोग इस तरह तंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह मुझे फ़ोन आया पाक पतन से, हमारी खातून वकील मुनज़्ज़ा बुखारी साहिबा हैं, उनको उन्होंने 11 दिन अपने हिरासत में रखा, हम उसके भी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। अब मैं इजाज़त से अभी अपनी करारदाद जो है वो हाउस के सामने रखूंगी। मुल्क में जारी आइनी और सियासी बुरान पर वकला गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। सियासी कारकुनों और हिरासत में ली गई खवातीन के साथ नामुनासिब सलूक और जिनसी तशद्दुद के संगीन इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। दो रोज़ पहले आधी रात को अचानक एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर दाखला ने भी इस किस्म के वहशियाना जराइम के बारे में गुफ्तगू की। एक मरतबा फिर सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारी के दौरान इनके साथ बदसलूकी और इनके तकद्दस को पमाल करने की तारीख दोहराई जा रही है और कानून नाफिज करने वाले अदारे और एजेंसियों के खिलाफ इंसानी हकूक की पमाली के हवाले से इस तरह के संगीन इल्ज़ाम नए नहीं हैं। ये इल्ज़ाम अफसोसनाक भी हैं और पूरी कौम के लिए बायस शर्म भी। महज़ब और जमहूरी माशरे में इस तरह के इल्ज़ाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में रियासती जबर और घुटन के इस माहौल में मीडिया पर यकतरफा बयानिए के ज़रिए जिस तरह सियासी अमल को दबाया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है और काबिल मुज़म्मत है। इस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ रियासत के किरदार पर भी सवालिया निशान हैं। सियासी खवातीन और वकला को भी घरों से, वकला खवातीन को भी घरों से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है और हमारी बार की मुअज्ज़ज़ रुकन मैमुना खान साहिबा को भी गुज़श्ता रात गैर कानूनी हिरासत में लिया गया, जिनकी ये ऐवान शदीद मुजम्मत करता है और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये मुतालबा करती है कि इन्हें फिल फोर रिहा किया जाए। इधर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रेजोल्यूशन उनको रिलीज़ कर दिया है, लेकिन उनको जिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि खवातीन के वक़ार और तकद्दस की हिफाजत के लिए बिला तख़ीर नोटिस लें। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी खवातीन वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए खवातीन सियासी वर्कर्स को गिरफ़्तार ना किया जाए और नागुजीर हालात में खवातीन को, अगर जो गिरफ़्तार खवातीन को रखने के लिए मुतबादल बंदोबस्त किया जाए जहाँ पर इनके वक़ार और तकद्दस की हिफाजत यकीनी हो। ये हाउस खवातीन के हकूक की तंजीमों से भी उम्मीद रखता है कि वो इंसानी हकूक की पामाली पर खामोश नहीं रहेंगी और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया।